हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने इस चैप्टर में जो पार्टिकल था जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो इस पार्टिकल का हम लोगों ने वेग कैलकुलेट किया हुआ था। वेग कैलकुलेट करने के बाद एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था, फिर उससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स हुई थी उनको भी हम लोगों ने किया था। तो आज हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग को पढ़ना है कि जो पार्टिकल या बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो हेडिंग कर लीजिएगा सरल आवर्त गति, आवर्त गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा। ठीक है, पिंड की कुल ऊर्जा, तो ये हेडिंग रहेगी हमारी। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, नोट डाउन हेडिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास होता है ना, तो अब देखिए कोई भी पार्टिकल है जब वो एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसमें दो प्रकार की ऊर्जा होगी। एक तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि उसकी स्थितिज ऊर्जा, और दूसरी उसकी गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों का जब हम सम लेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी हो जाएगी जो कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला काम हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, ऑफ द पार्टिकल। तो अब हमारे पास सेंस है, तो क्या होता है, चूंकि सरल आवर्त गति का, आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, ठीक है, तो विस्थापन समीकरण हमारे पास क्या होता है, विस्थापन समीकरण होता है y is equal to a sin ओमेगा t। ठीक है, अगर हम इस विस्थापन समीकरण को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो जो वेलोसिटी मिलेगी आपकी u is equal to dy by dt, कल हम लोग कैलकुलेट किया था, तो डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर से अगर इस वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी वाला इक्वेशन है, उससे हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, इसे आप या तो आप लिखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी टू, या फिर आप ठीक है ना, डी यू अपॉन डी टी, du upon dt, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये क्या मिलेगा आपका, तो cos omega t का माइनस साइन ओमेगा t, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। तो इस प्रकार से आपके पास अल्फा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, माइनस में ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, a साइन ओमेगा t व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, y। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ठीक है। तो इस प्रकार से ठीक ना, ये आ गया हमारे पास। तो जब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, तो अब चूंकि हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो सदैव किसी फोर्स के कारण ही प्रोड्यूस होता है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट ये आ रहा है कि अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो हम लोग फोर्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यदि हम ये कंसिडर करें ना, तो ना इस त्वरण के कारण जो पिंड पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल होता है, प्रत्यानयन बल, ठीक है, वो कितना होगा, प्रत्यानयन बल F। तो प्रत्यानयन बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू बल बराबर ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो द्रव्यमान गुणते त्वरण, द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई
त्वरण, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो एफ इज इक्वल टू मास एम और त्वरण की डेफिनेशन में यहाँ सल्फर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इस तरीके से एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई। प्रत्यानयन बल मिल गया, तो जब हमें प्रत्यानयन बल मिल गया तो अब इस प्रत्यानयन बल के विरुद्ध ना ऑब्जेक्ट जो है, तो यदि पिंड को विस्थापन वाई के अतिरिक्त सूक्ष्म दूरी डीवाई तक प्रत्यानयन बल के विरुद्ध विस्थापित करें तो किया गया सूक्ष्म कार्य, ठीक है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट सूक्ष्म हमारे पास कितना है वाई के अलावा पूरी डी वाई, तो डी वाई तक स्थापित करें तो वर्क डन भी हमारे पास सोर्स में उपलब्ध हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट डी वाई। अब यहाँ पर जो फोर्स है तो फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव कंसिडर करेंगे। निगेटिव क्यों, चूंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे प्रत्यानयन बल के विपरीत दिशा में, ठीक है, तो माइनस, तो वही हम एफ यहाँ सपोर्ट करेंगे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस था यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, ध्यान से समझिए। तो ये तो हुआ जब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वाई के अलावा सोर्स में डिस्प्लेसमेंट डी वाई तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि पिंड को क्या किया जाए, वाई बराबर जीरो से वाई बराबर वाई तक विस्थापित कर दे, विस्थापित किया जाए तो कुल वर्क डन, विस्थापित करें तो कुल किया गया कार्य तो कार्य में वर्क डन मिलेगा, टोटल वर्क डन यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि टोटल वर्क डन कितना आएगा, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। तो टोटल वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा, तो कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, वाई इज इक्वल टू जीरो से वाई इज इक्वल टू वाई तक, ठीक है, इसको करना है इंटीग्रेट एम ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो W इज इक्वल टू आपका यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर बचेगा क्या, जीरो से वाई वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो वाई का डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे वाई स्क्वायर बाई टू, आप अच्छे समझते हो। तो W इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई का वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट अप्लाई हो जाएगी जीरो से वाई तक, पुट करेंगे तो वाई आएगा। तो इस प्रकार से जो नेट वर्क डन हमें मिल गया डब्ल्यू इज इक्वल टू वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक। अब यही नेट वर्क डन है, ठीक है, यहां लिख दीजिएगा। तो यह कार्य पिंड में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास स्थितिज ऊर्जा की U इज इक्वल टू वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, नोट डाउन जल्दी से।
तो अब गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, दूसरी प्रकार की ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा हमारे पास, ठीक है, तो सेल्स से हमारे पास जो वेग होता है u इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू यू का स्क्वायर, और यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है तो वन बाई टू इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये करा दीजिए, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार से आ जाएगा वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, ये भी काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे, जो सिस्टम एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अतः पिंड की कुल ऊर्जा, तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, तो कुल ऊर्जा कितनी होगी इसके पास, तो E इज इक्वल टू के प्लस यू। तो इस टोटल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो E इज इक्वल टू के प्लस यू, कैलकुलेट कर लीजिए, तो E इज इक्वल टू के, काइनेटिक एनर्जी आपके सामने है, वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी में क्या मिली थी देखिए, ठीक है, तो वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो ये दोनों प्लस माइनस टर्म कैंसिल हो, तो हमारे पास बचा क्या टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये आ गई टोटल एनर्जी। तो अब सिंस ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एन, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए, तो देयरफॉर E बिकम्स टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू एम इंटू ओमेगा की जगह पे टू पाई एन रखेंगे होल स्क्वायर, तो फोर पाई स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, तो टू टू जर फोर कैंसिल आउट, तो ई इज इक्वल टू 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 बचाए ना टू टू जर फोर, तो टू एम पाई का स्क्वायर एन का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो टोटल एनर्जी है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो मास ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट होगा टू, एक कांस्टेंट वैल्यू है पाई 3.14 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस तरीके से जो ई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर यानी आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, और दूसरा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर यानी एम्पलीट्यूड के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो जो टोटल एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी की तो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि जो रिवॉल्यूशन पर सेकंड या फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पर अनुक्रमानुपाती में, या फिर जो सिंपल हार्मोनिक करने वाले ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, ठीक है, नोट डाउन। अब यहाँ पर हम लोग कुछ स्पेशल कंडीशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो बहुत जरूरी है। तो स्पेशल कंडीशंस विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशंस ये दोनों बहुत जरूरी है। तो पहला हम लोग कहाँ बात करते हैं, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, विस्थापन की
स्थिति में ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ऑब्जेक्ट कब होगा, अगर हम सरलावर्ती गति करते हुए सिंपल पेंडुलम की बात करें, तो ये हो गया बस सिंपल पेंडुलम, ये हो गया किसका इक्विलिब्रियम साम्यावस्था, तो ये है इक्विलिब्रियम साम्यावस्था। तो इसको एक ओर से हम डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पर ला देंगे, तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में क्या हो जाएगा, इसके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वाई वो किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड के, एक ओर के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, तो वाई इज इक्वल टू ए। तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो वाई इज इक्वल टू ए। तो जब हम वाई की जगह ए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देयर फॉर पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यू इज इक्वल टू वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, और वाई स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और क्या गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू के, तो वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या था आपका वाई स्क्वायर, ना वाई की जगह ए ए स्क्वायर माइनस वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। मीन्स कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो इस केस में जीरो हो गई, नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा जो E मिलेगा बराबर U प्लस की, तो पोटेंशियल एनर्जी, यानी इस केस में जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, मैक्सिमम पोजीशन पे, जब हम बॉब को मैक्सिमम पोजीशन पे डिस्प्लेस कर दिए हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान समझिएगा, जब हम लोग सरल लोलक के गोलक को एक और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर ले आएंगे, तो उस केस में इसके पास जो कुल एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पोजीशन के डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पोजीशन पे ना जो काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा तो थोड़े सही के लिए, लेकिन उसका वेग जो है वो जीरो होगा, तो जब वेग जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, उसके बाद क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि अधिकतम विस्थापन की स्थिति में ऑब्जेक्ट के पास केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा बचेगी, ठीक है। तो यू प्लस के, तो ये इक्वल टू हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ना, और के की वैल्यू जीरो, तो ई आपका इतना हो गया। तो ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं, तो दूसरा पॉइंट जो हमारे पास कहाँ है ना, साम्यावस्था पर। तो साम्यावस्था पर, साम्यावस्था एट इक्विलिब्रियम, या साम्यावस्था में लिखिए, तो साम्यावस्था में, तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू वन, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया तो वाई की वैल्यू तो यहाँ खत्म हो गई ना, वाई इज इक्वल टू वन जीरो। तो साम्यावस्था में वाई का मान कितना होता है, y is equal to zero. तो जब आप y put करोगे zero की जगह पे, तो हमारे पास kinetic energy, potential energy, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि y को zero put करोगे, इसको erase करता हूँ अभी, कोई जरूरत नहीं फिलहाल। तो y जब आप zero put करोगे, तो potential energy यानी u is equal to one by two m omega square into y square zero, तो v is equal to zero, ठीक है। और kinetic energy k is equal to one by two m omega square into क्या था a square minus one by two m omega square into y की जगह zero, तो k is equal to आया one by two m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, जीरो वाला टर्म हटा दिए, तो टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू के प्लस यू, तो के की वैल्यू वन बाय टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और यू तो जीरो है, तो टोटल एनर्जी कितनी मिली आपको, अच्छा चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा,
यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ गया तो उस केस में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जा रही है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, इक्विलिब्रियम में आने पर पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक ना? लोलक इस तरीके से यहाँ से मोशन करते हुए जब इधर आएगा तो इसकी स्पीड जो होगी मैक्सिमम होगी और वो यहाँ पर रुक नहीं पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर वी की वैल्यू या यू की वैल्यू क्या होगी? वी मैक्स या यू मैक्स होगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो जब अधिकतम स्पीड है तो इसको यहाँ पर रोक पाना मुश्किल है, ठीक है? और इसीलिए चूंकि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जा रहा, वाई की वैल्यू जीरो होने से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है? तो इस केस में टोटल एनर्जी कितनी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब इससे हम लोगों ने क्या देखा? कुछ देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में, ठीक है, जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? कॉन्स्टेंट है ना? तो इट मीन्स कि भले ही जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है हमारे पास, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी घट रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है, लेकिन उसकी टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी हर कंडीशन में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अब हम एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो ऊर्जा विस्थापन कर्व, विस्थापन वक्र, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट कर्व, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट कर्व, डिस्प्लेसमेंट कर्व, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इजी कर्व है, बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो इसमें हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, या फिर एक्सिस हो गया। अच्छा, जब आप कर्व प्लॉट करने जा रहे हो तो उस केस में सबसे जरूरी है कि आप किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन लेने जा रहे हो वो देखो, ठीक है? तो चलो हम लोग डिस्प्लेसमेंट की केवल तीन पोजीशन पे यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक? तो टेबल ही बना लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग पोजीशन दिखा देते हैं ना? तो इस प्रकार से टेबल, तो डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल, ध्यान से देखिएगा, आप बना देगा साथ में। तो यहाँ एक हो गया हमारे पास, तीन कंडीशन हो लेना। तो डिस्प्लेसमेंट वाई हो गया, तो इसकी पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति, ये हो गया। इस तरीके से टेबल बना लेते हैं, ठीक है? देखिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो तीन कंडीशंस में लेनी है और कोई कंडीशन हम लोग यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो पहली हम कंडीशन ले रहे हैं वाई इज इक्वल टू माइनस ए। अगर हम वाई की वैल्यू माइनस ए कर दें और ये हमारे पास पहले इसको लिख दीजिए, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी यू, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी के और ये हमारा टोटल एनर्जी ई। तो अब हम अगर y की वैल्यू माइनस ए कर दें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? u इज इक्वल टू, याद होना चाहिए आपको, 1 बाय 2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये होता है। अब y की जगह पे अगर हम माइनस ए पुट भी करते हैं तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको इसमें नहीं आएगा, ये हो जाएगा आराम से 1 बाय 2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है? तो माइनस ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 1 बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। चलिए, और वाई इज इक्वल टू जो ए कर दे रहे हो, माइनस ए कर दे रहे हो, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी जो कि हमारे पास 1 बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी। तो जब वाई की जगह में आप माइनस ए रखोगे तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी में कितनी मिलने वाली है? जीरो। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही आ जाएगा। तो 1 बाय 2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है? चलिए, तो अब जीरो ले लेते हैं। जब वाई इज इक्वल टू वन, जीरो, वाई इक्वल टू जीरो का मतलब साम्यावस्था। तो साम्यावस्था में जब आप यहाँ पे जीरो पुट कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे जीरो करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी, आप काइनेटिक एनर्जी इतनी बचेगी। तो साम्यावस्था में जब हम आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी वन बाई टू
एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, टोटल एनर्जी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यहाँ समझो, ठीक है। तीसरी केस, वाई की वैल्यू आप ए ले लो, आप चाहे माइनस ले लो चाहे प्लस ले लो, होना तो स्क्वायर ही है, तो कुल मिलाकर फिर से वही पहली केस आ जाएगी कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर हो गई चीजें कि जो टोटल एनर्जी है वो किसी भी कंडीशन में वैरी नहीं हो रही है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंटली वैरी कर रहे हैं और लगातार, यानी कि लगातार वैरी हो रही, बदल रही, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंडीशन में जो टोटल एनर्जी है वो वैरी नहीं करेगी। तो अब हम इसका ग्राफ अगर ड्रा करें तो कैसा ग्राफ हमें मिलना चाहिए, देख लीजिए, वो भी तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ग्राफ ड्रा करना है, ऊर्जा विस्थापन। तो एक तरफ आप एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को दिखा दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वाई, और वाई एक्सिस पर आप एनर्जी को दिखा दीजिए, तो वाई एक्सिस पर एनर्जी किस प्रकार से दिखाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो एक तरफ तो एम्पलीट्यूड राइट हैंड साइड में जाएंगे पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपका आ गया पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड में अगर आएंगे तो एम्पलीट्यूड निगेटिव है, तो यहाँ पर निगेटिव है, बीच में इक्विलिब्रियम वाई इक्वल टू व्हाट जीरो, ठीक है। तो ये y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू प्लस ए एंड y इज इक्वल टू माइनस ए। चलिए तो ये जो ग्राफ है ये आपको क्या बताएगा, ये ऊर्जा एनर्जी बताएगा, तो ये u का भी होगा पोटेंशियल एनर्जी और k का भी होगा और टोटल एनर्जी e का भी होगा, सारे ग्राफ यही कर बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, तो माइनस ए पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से स्टार्ट होगी और साम्यावस्था पे आने पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, साम्यावस्था पे जीरो, जब y इक्वल टू जीरो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और फिर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रही है ए पर और ये फिर से पहुंच कर मैक्सिमम हो जा रही है, कहाँ मैक्सिमम हो रही है, ए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का हमें ग्राफ मिलेगा, तो माइनस ए पर भी मैक्सिमम और प्लस ए पर भी, ग्राफ थोड़ा सही बनाइएगा आप लोग, थोड़ा सा ग्राफ बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नहीं, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो माइनस ए पर भी काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो है और प्लस ए पर भी काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो है, मैक्सिमम कहाँ पे है, केवल साम्यावस्था में, यानी कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो देखिए इस बार ग्राफ कैसे मिलेगा, यहाँ पे आप माइनस लेंगे तो अब की बार ग्राफ आपका यहाँ से अप करेगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम और उसके बाद फिर से डाउन, सही है ना, ठीक है। जबकि जो टोटल एनर्जी है वो हर जगह मैक्सिमम, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट मिलेगी, कांस्टेंट मिलने का मतलब कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, जो कि यहाँ पर बताएगी टोटल एनर्जी और यहाँ पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है। तो समझ में आया, तो इसमें ये वाला जो आपका है ये कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी का स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ये वाला आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी कर्व, और ये वाला जो आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये क्या है आपका टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ये फिगर आपसे पूछा जा सकता है और आपको इसमें बताना रहेगा, समझाना रहेगा, ठीक है। नोट डाउन, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, इस प्रकार से, तो ई यू के फिगर बन ली,
अगर हम ना टाइम एनर्जी का ड्रा करें तो ऊर्जा समय ग्राफ, ऊर्जा समय ग्राफ वक्र लिख सकते हो आप, वक्र या टाइम एनर्जी वक्र कर्व, टाइम एनर्जी कर्व। तो हमें फिर से लगभग वैसा ही फिगर फिक्स हो जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक साइड में यानी एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को डिनोट कर ले रहे हैं, तो ये हो गया आपका टाइम, ठीक। और वाई एक्सिस पर हम क्या कर ले रहे हैं, एनर्जी को कैलकुलेट कर ले रहे हैं, यानी कि एनर्जी को डिनोट कर दे रहे हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस जो कि क्या बता रहा है, टाइम को बताएगा आपके पास टाइम इन सेकेंड, और वाई एक्सिस फिर से आपको वही एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी तो तीन प्रकार की थी, तीनों को बताएगा, नो प्रॉब्लम। एनर्जी कौन सा, यू के एंड ई, ध्यान से देखिएगा। तो ग्राफ आपको याद होना चाहिए कि कैसे स्टार्ट हो रहा था। तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व आपका मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा था ना, तो मैक्सिमम से स्टार्ट होकर जीरो हो रहा था, और उसके बाद फिर मैक्सिमम को जा रहा था, और उसके बाद फिर से जीरो होते हुए फिर मैक्सिमम को जा रहा था। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी का ना, जबकि आपका काइनेटिक एनर्जी का कैसा था, तो ये जीरो से स्टार्ट होता था और मैक्सिमम को जाता था, और फिर से जीरो पर आता था और फिर से मैक्सिमम पर जाता था, इस प्रकार से। जबकि आपकी जो टोटल एनर्जी थी वो एक स्ट्रेट लाइन में रही थी, इस प्रकार से ग्राफ था, ध्यान से देखिएगा, ये सब कुछ मिला था आपको। तो अब इसको हम एक को डॉटेड कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस क्लियर रहे, तो एक डॉटेड कर देते हैं। तो जब ये वाला कर्व यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल में जो टाइम पीरियड होता है वो आपको कितना होता है, टी बाई टू। तो टाइम पीरियड फिगर थोड़ा सही से बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको यहाँ मिलना चाहिए था, तो हाफ साइकिल में जो टाइम पीरियड रहेगा आपका वो होगा कितना, T by 2, ये टाइम पीरियड कितना हुआ, T by 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया एक साइकिल, इसको बना दीजिए, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट साइकिल हो जाएगा कैपिटल T। कैपिटल टी इज इक्वल टू, ठीक है। ग्राफ बता दीजिए आप कहाँ पे क्या है। तो एक सक्सेस पे हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट किया था, ये आप इधर लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। और वाई एक्सिस पे यू के ई यानी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला जो कर्व है आपका ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। डॉटेड वाला आपका कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कर्व। और जो स्ट्रेट लाइन है आपको टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, नोट डाउन। हम्म,